सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। सूर्य नारायण वन मंदिर में भगवान सूर्य की प्रतिमा प्रतिष्ठापना के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर मीडिया ग्रुप के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए मीडिया ग्रुप के विकास कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर नारायण वन के प्रांगण में भव्य दुगोला मुकाबला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 14 अप्रैल के शुक्रवार की शाम उत्तर प्रदेश के निर्मला यादव एवं झारखंड की ओर से दयानंद तिवारी के बीच महामुकाबला होगा। इसे लेकर नारायण वन मंदिर में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। नारायण वन में साफ सफाई, पेयजल, स्टेज सहित मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बताया गया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रखंड क्षेत्र के गांव में जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। प्रथम स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने को लेकर गांव के कई लोग उत्साहित हैं। गौरतलब है कि नारायण वन में सैकड़ों वर्ष पहले भगवान सूर्य की मूर्ति निकली थी, जिसका पूजा ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा था। भव्य मंदिर निर्माण के बाद पिछले वर्ष यज्ञ कराकर संगमरमर की भगवान सूर्य की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कराया गया था, जिसका 14 अप्रैल को पहला स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। नारायण वन में कार्तिक छठ पर्व में छठ व्रत करने 5 राज्यों से हजारों छठ व्रती यहां आते हैं। 14 अप्रैल को पहला स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। नारायण वन में कार्तिक छठ महापर्व में छठ व्रत करने 5 राज्यों से हजारों छठ व्रती यहाँ आते हैं। केतार से सूरज कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हमारे सूर्य मंदिर नारायण वन में हम लोग 14 अप्रैल को भव्य स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। और आप लोगों को अन्य जानकारी व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि से तो मिल ही गई है, पर हम बताना चाहेंगे कि यह जो मंदिर की जो ख्याति है पूरे दूर दूर तक फैली हुई है, इस ख्याति को हम लोग और विकसित करने के लिए यहाँ जो स्थापना दिवस है उसको हम लोग भव्य बनाने जा रहे हैं। और उस दिन महामुकाबला जो दुगोला का कार्यक्रम होता है वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। उसके लेकर मंदिर में भव्य तैयारी किया जा रहा है, विधि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का भी मुआयना किया जा रहा है। तो हम प्रखंड सहित आसपास क्षेत्रों से सभी से निवेदन करेंगे कि इस स्थापना दिवस में आए और अधिक से अधिक भाग लेकर इस स्थापना दिवस को सफल बनाए और जो महामुकाबला जो दुगोला का कार्यक्रम रखा गया है उसमें शामिल हो और आनंद ले। आगामी 14 अप्रैल 2023 को सूर्य नारायण के प्रांगण में चैता दुगोला महा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रखंडवासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित होकर इस भव्य महादुगोला कार्यक्रम के साथ सूर्य नारायण वन के प्रथम प्रतिष्ठापन के दिवस पर उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं तथा लोगों को अपने हिंदू के प्रति तथा समाज को समाज से विलुप्त हो रहे सांस्कृतिक की धरोहर को अपना समय देकर उसको यादगार माने का काम करें। स्थापना दिवस को लेकर मीडिया केतार मीडिया ग्रुप के माध्यम से जो स्थापना दिवस कराया जा रहा है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि सूर्य नारायण वन जो मुकुंदपुर ग्राम में स्थित है वह काफ़ी प्रख्यात है। यहाँ प्रत्येक वर्ष छठ के समय लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा छठ किया जाता है। इसकी प्रसिद्धि झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में है, जहाँ के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आकर यहाँ छठ पर्व करते हैं। और इस मंदिर में सैकड़ों वर्ष पुराना पहले मूर्ति मिली थी जिसकी पूजा पाठ की जा रही थी, आज यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है ग्रामीणों के सहयोग से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की पुरानी कमेटी और नई कमेटी के जो भी लोग हैं, बहुत दिन रात मेहनत करके इस मंदिर को भव्यता देने का काम किए हैं। और इसके बाद पिछले वर्ष संगमरमर की नई मूर्ति स्थापित की गई है इस भव्य मंदिर में, जिसका पहला स्थापना दिवस 14 अप्रैल 2023 को मनाया जा रहा है। इसी को लेकर के मीडिया ग्रुप केतार के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इस अवसर पर किया जा रहा है और इसमें झारखंड और उत्तर प्रदेश की निर्मला यादव वर्सेस झारखंड के दयानंद तिवारी के बीच में दुगोला का महामुकाबला होगा। इसमें इसको लेकर के हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं और अंतिम रूप में हम लोग स्टेज से लेकर के सजो साज पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लोगों के आने जाने से लेकर के
और श्रद्धालुओं के सारे सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए हम लोग आगे काम कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं और इसको भव्य ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं।